हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेगनेंसी के एक महीने में गर्भ में शिशु का विकास कैसे होता है, गर्भ में बच्चा कैसे बनता है। इस वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखिए। इससे पहले मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि महिला में अंडे कब फूटते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन पर उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप यहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दें। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महिला के गर्भाशय में शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं और ये आपस में मिलकर फर्टिलाइज हो जाते हैं, यानी कि निषेचित हो जाते हैं। और ये निषेचन क्रिया होने में एक हफ्ते का समय लग जाता है। उसके बाद दूसरे हफ्ते में इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी कि प्रत्यारोपण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये फर्टिलाइज अंडा गर्भाशय के दीवार से चिपक जाता है। और ये सारी प्रक्रिया होने में 3 हफ्ते तक का समय गुजर जाता है। उसके बाद महिला प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और अपने प्रेगनेंसी को कन्फर्म करती है। इस महीने के अंत तक गर्भ में शिशु का आकार बिल्कुल एक चावल के दाने के जैसा होता है और इसकी लंबाई 1.25 इंच से भी बिल्कुल कम होती है। गर्भाशय में प्लेसेंटा भी बन जाता है। इसी प्लेसेंटा से शिशु को आगे चलकर न्यूट्रिशन मिलेगी, पोषण मिलेगी, ताकि बच्चे का ग्रोथ आगे हो सकेगा। इस महीने के अंत तक शिशु की आँख और चेहरे का शेप भी बन जाता है और एमनियोटिक थैली भी पूरी तरह से बन जाती है, ताकि इसी एमनियोटिक थैली में शिशु का आगे चलकर विकास हो सके। इस महीने के अंत तक शिशु का हार्ट बीट भी शुरू हो जाता है, लेकिन ये हार्ट बीट इतना कम होता है जिसे आप किसी भी मशीन से नहीं सुन सकते। इस महीने के अंत तक ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट गर्भ में शिशु के हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में गर्भ में शिशु का विकास कैसे होता है, दूसरे महीने में गर्भ में बच्चा कैसे बनता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के बटन को क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दे, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।